हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यह टॉपिक रिलेटेड है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड ऑप्स्ट्रेटिकल एंड गाइनोकोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग जी नर्सिंग स्टूडेंट्स बी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट्स और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है हम इसके अंदर कंप्लीट एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन इसका इंट्रोडक्शन क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो भाग में डिवाइडेड है फर्स्ट वन है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जिसको कहते हैं एंड सेकेंड वन है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स तो फर्स्ट देखेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जिसके अंदर फर्स्ट है मोन्सप्यूबिस सेकेंड है लिबिया मेजोरा थर्ड वन है लिबिया मिनोरा फोर्थ वन है क्लाइटोरिस फिफ्थ वन है हाईमेन सिक्स वन है वेजटिबुल एंड सेवन वन है बार्थोलिन ग्लैंड इसके अंदर वेजटिब्यूल ओपनिंग एंड वेजटिबुल बल्ब भी होता है वो हम आगे की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स फर्स्ट वन बने वेजाइना सेकेंड है यूट्रस थर्ड वन है फेलोपियन ट्यूब्स एंड फोर्थ वन है ओवेरिज तो हम इनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जिसको कहते हैं वोल्वा और जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट है हमारा मोन्स प्यूबिस अ पेड ऑफ फेटी टिश्यू ओवरलाइनिंग द सिंपाइसिस प्यूबिस यानी कि जो सिंपाइसिस प्यूबिस होता है उसके ऊपर एक फेटी टिश्यू की पेड बनी होती है आफ्टर प्यूबिटी इट इज कवर्ड विद हेयर यानी कि जो पीबीटी की जो एज होती है उसके बाद ये क्या होता है हेयर के साथ कवर्ड हो जाती है नेक्स्ट वन फंक्शन इसका क्या फंक्शन रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ प्यूबिस यानी कि जो सिंपाइसिस प्यूबीज है उस पार्ट को क्या करेगा प्रोटेक्शन का, का काम करेगा जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं ये होता हमारा प्यूबिक एरिया ठीक है जैसे कि आप हेयर भी देख सकते हैं यहां पे तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट मॉन्स प्यूबिस सेकेंड वन है लिबिया मेजोरा लिबिया मेजोरा क्या होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर लिप्स इसको आउटर लिप्स भी कहते हैं जैसा कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं ये इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर कंपोज ऑफ स्किन फाइब्रस टिश्यू एंड फैट यानी ये किससे मिलकर बने होते हैं स्किन से फाइब्रस जो टिश्यू होती है उससे और फैट से नेक्स्ट वन है इट इज होमोलोगस टू स्कोटम इन द मेल और मेल के अंदर जो स्कोटम होता है उसके बराबर यानी कि होमोलोगस का अर्थ क्या होता है समांतर ठीक है उसके समांतर होता है लिबिया मेजोरा नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन इसका क्या फंक्शन रहेगा तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका प्रोटेक्शन का काम करेगी लिबिया मेजोरा तो अभी तक हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा मोन्स प्यूबिस एंड लिबिया मेजोरा। Next point है है, लिबिया मिनोरा। इसके अंदर यानी कि जो दिखाई दे रही है जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से लाल कलर की जो दिखाई दे रही है वो होती है हमारी लिबिया मिनोरा स्किन की फोल्ड बनी होती है जिसको इनर लिप्स भी कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कंटेनिंग और इसके अंदर सविसियस ग्लैंड होती है नेक्स्ट पॉइंट है इट इज होमोलोगस टू फोर स्किन ऑफ पेनिस यानी कि जो पेनिस होता है उसकी जो फोर स्किन होती है उसके बराबर लिबिया माइनोरा होता है नेक्स्ट पॉइंट है एंटीरियरली दे डिवाइडेड एंड इनक्लोज द क्लाइटोरिस यानी कि जो आगे की साइड और ऊपर की साइड क्या है क्लाइटोरिस से जुड़े होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टीरियरली इट फॉर्म ऑफ स्किन ऑफ फोल्ड कॉल्ड फोर चैट यानी कि पीछे की तरफ क्या बनेंगे यानी कि नीचे की साइड आप देख सकते हैं इस तरीके से वेजाइना फंक्शन एन इसका क्या फंक्शन रहेगा तो प्रोटेक्शन ऑफ वेजाइना यानी कि जो वेजाइना होती है उसका प्रोटेक्शन का, का काम करती है नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइटोरिस क्लाइटोरिस क्या सेंसिटिव पार्ट होता है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्ट्राइल बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल मास ऑफ इरेक्ट्राइल टिश्यू यानी कि एक स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्ट्राइल बॉडी होती है जो किससे मिलकर बनी होती है टू सिलेंड्रिकल मास ऑफ इलेक्ट्रिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर लेंथ इज अबाउट 1.5 टू 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ कितनी होती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज पेनिस इन द मेल और किसके बराबर होता है मेल के अंदर जो पेनिस होता है उसके बराबर नेक्स्ट पॉइंट है इसका फंक्शन इसका फंक्शन क्या रहेगा प्लेजर ड्यूरिंग द इंटरकोस जब सेक्सुअल इंटरकोस होगा तो उस दौरान प्लेजर का, का काम करता है क्लाइटोरिस तो हमने दो चीजों के, के बारे में पढ़ा लिबिया मैनोरा और क्लाइटोरिस के बारे में नेक्स्ट देखेंगे हाइमन हाइमन एक पतली झिल्ली होती है तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए थीन लेर ऑफ म्यूकस मेमरे एक म्यूकस मेम्रेन की एक पतली जिली होती है डेट पार्शली कवर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इन वर्जिन फीमेल यानी कि क्या करेगा पार्शली ओपनिंग करेगा किसकी वेजाइना की किसके अंदर वर्जिन जो फीमेल होती है उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ इट मे बी रपचर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान ये क्या है रप्चर हो जाती है या फिर साइकिलिंग या फिर स्विमिंग भी करते हैं तो उस दौरान भी ये रप्चर हो सकती है नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन इसका क्या फंक्शन रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ वेजाइना केनाल ड्यूरिंग द फिटल पीरियड और इसका क्या फंक्शन रहेगा जब फिटल जो पीरियड होता है उस दौरान वेजाइना का जो प्रोटेक्शन का, का काम करेगी वो करती है हाईमन वैसे तो ये रप्चर हो जाती है लेकिन फिर भी एक इसके जो अंश होते हैं ठीक है वो इसका प्रोटेक्शन का काम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेस्टिबुल इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है वेस्टिबुल अ स्मॉल स्पेस और कैविटी एट द बिगनिंग ऑफ अ केनाल यानी कि एक बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है या फिर कह सकते हैं कैविटी होती है वो कहाँ पर रहती है जो केनाल होती है यानी कि जो वेजाइनल केनाल होती है उसके वहां पर नेक्स्ट पॉइंट है द वेस्टिबुल इज अप्रोक्सीमेटली फोर टू फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग एंड टू सेंटीमीटर इन द ग्रेटेस्ट विथ वेन लेबिया मेनोरा आर सेपरेटेड

म्यूकस होती है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है जो वेजाना की जो होती है उसकी लेटरल पे नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन इसका क्या फंक्शन रहेगा मोइस्ट वोल्वा ड्यूरिंग द इंटरकोस जब इंटरकोस होगा तो उस दौरान क्या है जो वोल्वा होती जो है जो एक्सटर्नल जनाइटल ऑर्गन होते हैं उसको मोइस्ट करने का काम करती है बार्थोलिन ग्लैंड तो अभी तक हमने पढ़ा था प्यूबिस लिबिया माइनोरा लिबिया मेजोरा उसके बाद वेजटिबुल हाइमन और बारथोलिन ग्लैंड नेक्स्ट अब देखेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन कौन कौन से थे वेजाइना फेलोपियन ट्यूब यूट्रस और ओबेरी तो फर्स्ट वन है हमारे पास वेजाइना जिसको कहते हैं बर्थ केनाल तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ फाइब्रो मस्क्यूलर ट्यूब कनेक्ट इंटरनल टू एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि एक फाइब्रो मस्क्युलर ट्यूब होती है जो इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन को क्या है कनेक्ट करने का काम करती है नेक्स्ट पॉइंट है इन एडल्ट यानी कि जो एडल्ट है उसके अंदर एंटीरियर वॉल सेवन सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पोस्टीरियर वॉल सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि एडल्ट के अंदर एंटीरियर वॉल जो जो है सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और पोस्टीरियर वॉल होती है जो नाइन सेंटीमीटर लॉन्ग होती है नेक्स्ट बात करेंगे इसका डायामीटर डायामी ऑफ केनालिज टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यानी कि इसका डायामी कितना होगा दो पॉइंट पांच सेंटीमीटर नेक्स्ट पॉइंट है वेजाइना हाईली एसिडिक पीएच थ्री पॉइंट फाइव टू फोर यानी कि जो वेजाइना होती है वो हाईली एसिडिक होती है कितनी तीन पॉइंट पांच से लेके चार पीएच नेक्स्ट अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर क्या है इट हैज थ्री लेयर्स कि इसकी तीन लेयर होती है आउटर लेयर मिडल लेयर और इनर लेयर आउटर लेयर किससे मिलकर बनी होती है कंपोज्ड ऑफ एरुलर टिश्यू नेक्स्ट वन मिडल लेयर मिडल लेयर किससे मिलकर बनी होती है कंपोस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स नेक्स्ट पॉइंट है इनर लेयर इनर लेयर कंपोज ऑफ स्टेटिफाइड स्केमस एफिथिलियम टिश्यू तो इसकी तीन लेयर हो गई आउटर मिडल और इनर नेक्स्ट बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में वेजाइना का क्या फंक्शन रहेगा तो हमारा फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड वे फॉर बेबी बर्थ यानी कि एक वे का काम करता है जब बेबी बर्थ होता है उस दौरान नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड चैनल फॉर यूटराइन सिक्रेशन एंड मेस्टोर ब्लड यानी कि एक चैनल की तरह काम करेगा जैसे कि यूटराइन सिक्रेशन और मेस्टूर जो ब्लड होता है या फिर पाथवे का काम करेगा नेक्स्ट पॉइंट है पाथ ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और एक पाथ की तरह यानी कि एक रास्ते की तरह काम करेगा जब सेक्सुअल इंटरकोस होगा उस दौरान किसके लिए पेनिस के लिए तो अभी तक हमने इसके अंदर वेजाइना क्या होती है और इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा जिसके अंदर आउटर लेयर मिडल लेयर और इनर लेयर नेक्स्ट हमने पढ़ा इसके फंक्शन के बारे में नेक्स्ट बात करेंगे यूट्रस के बारे में यूट्रस क्या होता है इट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन यूट्रस क्या एक होलो मस्क्यूलर ऑर्गन होता है नेक्स्ट पॉइंट है इज लाइक पियर शेप्ड यानी कि इसकी शेप की नेक्स्ट पॉइंट है साइज इसकी साइज क्या रहेगी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग फाइव सेंटीमीटर वाइड एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर थीन यानी कि सात पॉइंट पांच सेंटीमीटर लंबा पांच सेंटीमीटर चौड़ा और दो पॉइंट पांच सेंटीमीटर मोटा होता है यूट्रस नेक्स्ट बात करेंगे वेट नॉन प्रेग्नेंट जो वुमन होती है ठीक है उसके अंदर कितना होता है पचास से साठ ग्राम नेक्स्ट देखेंगे पार्ट ऑफ यूट्रस यूट्रस के कौन कौन से पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट है फंडस डोम शेप्ड पार्ट ऑफ यूटेराइन बॉडी इज जस्ट अबाउट द ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब जैसा कि हम आगे इमेज के अंदर देखेंगे ये वाला जो आप देख सकते हैं डोम शेप का उसको कहते हैं हम यूटेराइन फंडस यानी कि यह हमारी जो ओपनिंग होती है ठीक है फिलोपिन जो ओपनिंग होती है वहां पर यह फंडस वाला पार्ट रहता है नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बॉडी बॉडी वाला जो पार्ट आप देख सकते हैं यह हमारी बॉडी ठीक है द फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग लार्ज सेंट्रल पोर्शन इज अ बॉडी यानी कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है जैसा कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं जो सेंट्रल पोर्शन है उसको कहते हैं हम बॉडी इंटरनल ट्राइंगुलर सिक्स टू सेवन सेंटीमीटर पार्ट कॉल्ड यूटेराइन कोल्डिटी जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर पूरा जो शेप है वो छ से सात सेंटीमीटर भाग बनाता है यूट्रस के अंदर नेक्स्ट हमारा पार्ट है स्टेमस स्टेमस क्या होता है अ अरोविंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस जस्ट अबव द सर्विक्स सर्विक्स और बॉडी के बीच के अंदर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टेमस जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी एंड सर्विक्स जो सर्विक्स का पार्ट है और जो बॉडी का पार्ट है उसके बीच के अंदर क्या है पार्ट प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है सर्विक्स सर्विक्स क्या होता है तो सर्विक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग इन्फीरियर नेरोइंग ट्यूब लाइक पोर्शन जैसा कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं जो बॉडी का पार्ट आपने देख लिया इसके बाद स्टेमस का पार्ट देख लिया नेक्स्ट है वेजाइना और बॉडी

तो ये था सर्विक्स के बारे में नेक्स्ट बात करेंगे यूट्रस की लेयर्स लेयर्स ऑफ यूट्रस इसके अंदर तीन लेयर्स होती है पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम पेरीमेट्रियम कौन सी होती है इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस यानी कि पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की नेक्स्ट वन है मायोमेट्रियम इट इज अडल लेयर ऑफ द यूट्रस यानी कि यूट्रस की मिडल होती है नेक्स्ट लेयर है हमारे पास एंडोमेट्रियम इट इज अ इनर मोस्ट लेयर लेयर ऑफ यूट्रस यूट्रस और युट्रस की सबसे इनर मोस्ट कौन सी होती है एंडोमेट्रियम नेक्स्ट देखेंगे यूट्रस के फंक्शन यूट्रस के क्या क्या फंक्शन है तो हमारा फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड स्पेस फॉर द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसका इम्प्लांटेशन के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है नेक्स्ट वन है मेंटेनिंग मेस्ट्रियल साइकिल जो मेस्ट्रोल जो साइकिल होती है उसको मेंटेनिंग का काम करेगी नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फीटस और फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है यूट्रस यूट्रस तो ये थे के फंक्शन नेक्स्ट हमारा इंटरनल फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब क्या होती है इट इज अ होलो सिलेंड्रिकल टेन सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब यानी कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब और आप जो व्हाइट पार्ट देख रहे हैं वो होती है हमारी ओवेरी दोनों तरफ नेक्स्ट अब देखेंगे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो फेलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इंट्रा म्यूरल या फिर इसको कहते हैं इंटर स्टेशल पार्ट तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है लाइनिंग इन द यूटराइन वोल्व यानी कि जो वोल होता है उसको लाइनिंग करने का काम करता है नेक्स्ट वन इसका डायामीटर कितना होता है तो वन एम एम इसका डायामीटर कितना होता है वन एम एम होता है और इसकी लेंथ कितनी होती है तो इसकी लेंथ कितनी होती है वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इंट्रा म्यूरल या फिर इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इस्टेमस। इस्टेमस ये पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का प्रीवियस हमने पढ़ा था यूट्रस के अंदर भी होता है जो कि बॉडी और सर्विक्स के बीच में होता है तो इस्टेमस का फर्स्ट पॉइंट है कनेक्ट द यूट्रस एंड यूटराइन ट्यूब जैसा कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट होता है हमारा उसको कहते हैं स्टेमस दोनों तरफ जो कनेक्ट करता है यूट्रस और यूटेराइन ट्यूब यूटेराइन ट्यूब किसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब को नेक्स्ट है इसका डायामी इसका डायामी कितना होगा तो टू एम एम एंड लेंथ इसकी होगी टू पॉइंटी नेक्स्ट वन है एम्प्यूला सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो इसी के अंदर कंप्लीट होती है जैसे कि जो मेल स्पम है वो यहां से इंटर करेगा और डायरेक्टली यहां पर आके जो फर्टिलाइज करेगा तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट यानी कि ये सबसे चौड़ा और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फेलियोपियन ट्यूब का नेक्स्ट वन है इसका डायामी इसका डायामी कितना होता है तो फाइव एम एम एंड लेंथ होती है सिक्स सेंटीमीटर तो ये था एम्पूला के बारे में नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इनफंडिबुलम इन फंडीबुलम इन आपको फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी उसको कहते हैं इन फंडिबुलम तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है द फनल शेप्ड ओपनिंग एट द लेटरल एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब यानी कि जो यूट्राइन ट्यूब होती है उसके एंड के अंदर यानी कि जो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है हमारा एंड पार्ट है ठीक है दोनों तरफ वहां पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रजेंट होती है जो कि फीमेल गोनर्स यानी कि जो ओवेरी होती है उसको कैच करके रखती है नेक्स्ट पॉइंट है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमराई यानी कि इसके अंदर बीस से पच्चीस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं फिमराई नेक्स्ट वन है डायामीटर इसका डायामीटर कितना रहेगा तो सिक्स एम एम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी लेंथ के बारे में तो इसकी लेंथ होती है वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो हमने अभी तक डिस्कस किया इसके चार पार्ट फर्स्ट वन द इंटर स्टेशल सेकेंड वन है एम्प्यूला एंड फोर्थ वन है इनफंडीबुल नेक्स्ट अब देखेंगे लास्ट पार्ट हमारा ओवेरी यानी कि जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है उसका लास्ट पार्ट क्या है ओवेरी तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है टू ओल्ड शेप ग्लैंड इन द फीमेल डेट प्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि इसके अंदर दो ओवल शेप्ड की ग्लैंड होती है जो हार्मोन सिक्रिएट करती है और जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको भी सिक्रिएट करने का काम करती है तो हमारे पास हार्मोन कौन कौन से हो गए एस्ट्रोजन प्रोडेस्ट्रोन और एफ ठीक है इसके अंदर एफ भी होता है वो भी सिक्रिएट करने का काम करती है नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी फीमेल सेक्स क्लैंड एंड फीमेल कोनार्ट्स इसको क्या कहते हैं फीमेल कोनाट्स भी कहते हैं या फिर प्राइमरी फीमेल सेक्स क्लैंड भी कहते हैं नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइज के बारे में इसकी साइज क्या रहेगी तो थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि तीन सेंटीमीटर लंबा होगा दो सेंटीमीटर चौड़ा होगा और एक सेंटीमीटर मोटा होगा यानी कि जो ओवेरी होती है उसकी साइज कितनी होती है तीन सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है दो सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और एक सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर के बारे में इट हैज टू पार्ट जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं दोनों तरफ ठीक है इट इज टू इन नंबर तो इसके दो पार्ट होते हैं टेक्स एंड मेड्यूला कोटेक्स पार्ट क्या होता है इट इज अ आउटर पोर्शन इज कॉल्ड कोटेक्स यानी कि जो आउटर पोर्शन दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं कोटेक्स मेड्यूला किसको कहते हैं सेंटर पोर्शन कॉल्ड मेड्यूला यानी कि जो ओवेरी होता है उसका जो सेंटर पोर्शन होता है उसको कहते हैं मेड्यूला तो ये था ओवेरी के बारे में यदि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर एंड फिजियोलॉजी के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमारे ऐप के ऊपर जाके आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू